Hello children, you are welcome back to my YouTube channel Teach Yourself History. We are studying about understanding partition of chapter 14 class 12 history, and in fourth part of this chapter we'll try to understand an emotional issue, gendering partition, recovering woman. Kya hai ye mamla? Ek bahut hi emotional issue hai mahilaon ke bare mein, jo koi bhi 21st सेंचुरी का जो सभ्य समाज का व्यक्ति है, शायद उसको विश्वास ना हो कि 1947 में ऐसी भी घटनाएं हुई है। तो क्या है ये घटना रिकवरिंग वुमेन का? स्कॉलर्स हैव रिटन अबाउट द हैरोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन इन दोस वायलेंट टाइम्स। वुमेन में रैप्ड, एबडक्टेड, सोल्ड ऑफन मेनी टाइम्स ओवर, forced to settle down to a new life with strangers in unknown circumstances. क्या क्या दुख महिलाओं को नहीं झेलना पड़ेगा। In this crucial time, some begin to develop new family bonds in their changed circumstances. But the Indian and Pakistani governments were insensitive to the complexities of human relationships. अब देखो ये सारा मामला शांत हो गया, जितनी घटनाएं होनी थी हो चुकी, लोगों ने अब नई ज़िंदगी शुरू कर दी, नए लोगों के साथ नई फैमिली बॉन्ड बना के। उसी समय में इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन को नहीं समझ पाई, उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिसके कारण से महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत खतरनाक अत्याचार हुआ। क्या हुआ वो? बिलीविंग द वुमेन टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर, दे नॉट टॉर देम अवे from their new relatives and send them back to their earlier families or locations. They did not consult the concerned women, undermining their right to take decisions regarding their own lives. तो उन्होंने एक नया कानून बनाया, उन्होंने कहा कि जो border के आर पार हैं, अगर मान लो पाकिस्तान साइड में हिंदू महिलाएं हैं या इंडियन साइड में अगर कोई मुस्लिम महिला है, तो उनको फिर से रिकवर किया जाए और उनको जो पुराने उनके रिलेटिव्स थे वहाँ उनको भेजा जाए। इसको इसी को हम लोग बोलते हैं द रिकवरिंग वुमेन। ओके, और ये डिसीजन किसने लिया? इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 30,000 वुमेन वेर रिकवर्ड, 22,000 मुस्लिम्स वुमेन इन इंडिया एंड 8,000 हिंदूज एंड सिख वुमेन इन पाकिस्तान इन एन ऑपरेशन दैट एंडेड एज लेट एज 1954। तो 1954 तक लगभग 30,000 महिलाओं को इस तरह से रिकवर किया गया इसमें, और उस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या दुख झेलना पड़ा। उसके बाद हम लोग सेकेंड जो टॉपिक पढ़ेंगे इस पार्ट में वो है प्रिजर्विंग ऑनर। क्या है देखो, इन नॉर्दर्न इंडिया पिजन सोसाइटीज व्हेन द मेन फियर दैट देयर वुमेन वाइफ्स daughters, sisters would be violated by the enemy, they killed the women themselves. जब भी नॉर्थ इंडिया में डर होता था कि हमारे जो बहू बेटियां हैं उन पे किसी दुश्मन का हाथ लग सकता है, तो वो लोग खुद ही उनको मार डालते थे। उर्वशी भुटालिया इन हर बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस narrates वन सच gruesome incident in the village of Toa Khalsa, Rawalpindi district during partition. In this Sikh village, 90 women are said to have voluntarily jumped into a well rather than fell into enemy hands. The migrant refugee from the village still commemorate the event at a Gurudwara in Delhi, martyrdom and not suicide. On 13th March every year, when their martyrdom is celebrated to remember the sacrifice and bravery of their sisters. Such rituals do not seek to remember, however, are the stories of all those who did not wish to die and had to end their lives against their will. इस भाग में लोग पढ़ेंगे third topic regional variations, कि पूरे देश भर में जो partition हुआ उसका जो experience था उसमें सब जगह एक नहीं था, उसमें variations थे। Well, riots occurred in Kolkata and Nuwakhali in 1946, the partition was most bloody and destructive in the Punjab. The near total displacement of Hindus and Sikhs eastward into India from West Punjab and of almost all Punjabi speaking Muslim to Pakistan happened in a relatively short period of 2 years between 1946 and 1948. तो लगभग ये जो पंजाब साइड में लगभग सारे के सारे लोग जो मुस्लिम लोग थे, पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए।
और उधर से जितने हिंदू और सिख थे वो इंडिया की तरफ आ गए। और ये लगभग कितने साल में पूरा हुआ, 1946 से 1948 के बीच में पूरा हुआ। मेनी मुस्लिम फैमिलीज ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश कंटिन्यू टू माइग्रेट टू पाकिस्तान थ्रू द 1950s एंड अर्ली 1960s। ऑल्दो मेनी चूज टू रिमेन इन इंडिया, मोस्ट ऑफ दिस उर्दू स्पीकिंग पीपल नोन एज मुहाजिर्स इन पाकिस्तान मूव टू द कराची हैदराबाद रीजन इन सिंध। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो यहाँ से थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद से, वे 1960 तक जाते रहे हों पाकिस्तान में, और उन लोगों को वहाँ कहा जाता है मुहाजिर्स। और ये लोग कराची हैदराबाद रीजन में बढ़ गए वहाँ पे सिंध में। और फिर पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। इन बंगाल द माइग्रेशन प्रोसेस वॉज वेरी स्लो, मैनी हिंदू बंगाली हिंदूज रिमेंड इन ईस्ट पाकिस्तान वेल मैनी बंगाली मुस्लिम्स कंटिन्यू टू लिव इन वेस्ट बंगाल। तो बंगाल साइड में उस तरह से नहीं हुआ जैसे पंजाब साइड में हुआ, यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग उधर ही रहे और बहुत सारे मुस्लिम लोग इंडिया साइड में रहे। फाइनली बंगाली मुस्लिम्स रिजेक्टेड जिन्नास डोनेशन थ्योरी थ्रू पोलिटिकल एक्शन ब्रेकिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान एंड क्रिएटिंग बांग्लादेश इन 1971-72। लेकिन बाद में 1971-72 में भारत की सहायता से, जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके सपोर्ट से बांग्लादेश को आज़ादी मिला पाकिस्तान से और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना। देर इज हाउ एवर ए ह्यूज सिमिलरिटी बिटवीन द पंजाब एंड बंगाल एक्सपीरियंसेस। इन बोथ दिज स्टेट्स वुमेन एंड गर्ल्स बिकम प्राइम टारगेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, अटैकर्स ट्रीटेड वुमेन्स बॉडीज एज टेरिटरी टू बी कंक्वर्ड, डिसऑनरिंग वुमेन ऑफ ए कम्युनिटी वॉज सीन एज डिसऑनरिंग द कम्युनिटी इटसेल्फ एंड ए मोड ऑफ टेकिंग रेवेंज। ठीक है, तो ये है रीजनल वेरिएशंस होते हुए भी जो महिलाओं और गर्ल्स का जो एक्सपीरियंस है हर जगह लगभग सेम रहा, उनको सबसे ज़्यादा दर्द इस दौरान झेलना पड़ा। थैंक यू चिल्ड्रेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।